हेलो दोस्तों, मैं नवाज आप सभी का वेलकम करता हूँ इस चैनल पर। सो वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑफ एक्सेल सीरीज, जिसमें हम बात करने वाले हैं काउंट फंक्शंस इन एक्सेल की। ठीक है, तो चलिए हम अपने स्क्रीन पर चलकर समझते हैं। तो जब भी काउंट फंक्शन की बात की जाती है, तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि काउंट काउंट का मतलब होता है कि गिनती करना, राइट? वी वॉन्ट टू काउंट समथिंग, ओके, बट वॉट इट विल काउंट। तो यहाँ पे जब भी काउंट की बात की जाती है, तो दिस फंक्शन आर मेंट फॉर द नंबर ऑफ सेल्स, यानी ये सेल्स को काउंट करता है, ना कि आपके सेल के अंदर के कंटेंट्स को। सो वेन एवर वी वॉन्ट टू काउंट दी सेल्स, तो हम यहाँ पे काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे आपके काउंट के अंदर आपके फाइव फंक्शंस लिस्ट है। तो हम वन बाय वन समझते हैं कि इनका काम क्या है। तो आपको सबसे पहला ये डिस्क्रिप्शन समझ के का लॉजिक समझना है, ताकि जब भी आपको कोई भी काउंट रिलेटेड एक्टिविटी करना हो, तो आपको ये समझना है कि ये पांच फंक्शन में से कौन सा फंक्शन आपको हेल्प करेगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं काउंट फंक्शन की, COUNT। ओके, ये फंक्शन करता क्या है? तो काउंट फंक्शन, जैसे बताया जा रहा है कि काउंट हाउ मैनी न्यूमरिक सेल्स आर देयर इन दी लिस्ट ऑफ रेंज, यानी इसका मतलब ये है, अब जो भी रेंज दोगे, वो वहां पे जितनी भी न्यूमरिक सेल्स होगी वो काउंट करेगा। जैसे कि मैंने बता चुका हूँ कि एक्सेल में दो फॉर्म में हमारे पास डेटा होता है, इट कैन बी ईदर टेक्स्ट और एल्स न्यूमरिक। तो ये वही बात कर रहा है कि जो भी आप लिस्ट रेंज दोगे, वो उसमें या तो आपकी ब्लैंक नहीं रहना चाहिए, या तो आपका टेक्स्ट से वाली सेल भी नहीं रहना चाहिए। उसको ऐसी सेल्स चाहिए जिसमें सिर्फ न्यूमरिक वैल्यूज हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ओके, उसके बाद बात करते हैं काउंट ए फंक्शन की। इसको काउंट काउंटा भी बोला जाता है, और आप इसको काउंट ऑल भी बोल सकते हो। ओके, तो काउंट ए का काम क्या होता है? काउंट हाउ मैनी नॉन एम्प्टी सेल्स विद इन अ रेंज। इसका काम ये होता है कि इसको टेक्स्ट और नंबर से कोई भी लेना देना नहीं है, एक सेल भरी हुई होना चाहिए, वेदर इट कैन बी योर टेक्स्ट, इट कैन बी योर न्यूमरिक, बट एम्प्टी नहीं रहनी चाहिए। अगर आपने एक रेंज दे दिया, रेंज में आपकी अगर एम्प्टी सेल है, तो एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करेगा, उसके अलावा आपकी सारी की सारी फील्ड सेल्स को ये काउंट कर लेगा। ओके, तो जब भी आपको ऐसा सिनेरियो हो जहां पे आपको ब्लैंक छोड़ के सारी सेल्स को काउंट करना है, उस टाइम पे आप काउंट ए फंक्शन का यूज कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं काउंट ब्लैंक फंक्शन। ओके, तो जो आपका काउंट ए होता है, उसका ऑपोजिट फंक्शन होता है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या करता है कि आपकी सेल्स, आपकी जितनी भी एम्प्टी सेल्स है, वो रेंज में उस सेल्स को काउंट करता है, यानी ये आपकी फिल सेल्स को छोड़ता है, ये ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है। ओके, आगे बढ़ के हम दूसरे फंक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे आपका काउंट इफ फंक्शन आ गया। तो जैसे ही हमने सम फंक्शन कवर किया था, उसमें सम इफ देखा था, राइट? ये वैसे ही है। अगर आपको कुछ काउंट करना है जो कि एक क्राइटेरिया है, सो वेन एवर क्राइटेरिया कम्स इन टू पिक्चर, तो हम वहां पे इफ को पिक्चर में लेके आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे काउंट करना है, बट काउंट हमको एक क्राइटेरिया के साथ करना है, देन वी कम जब हम काउंट इफ का यूज करते हैं, वैसे ही काउंट इफ्स होता है। काउंट इफ का भी काम सिमिलर काउंट इफ जैसा ही है, बट यहाँ पे ये डिफरेंस है कि काउंट इफ में हम सिर्फ सिंगल क्राइटेरिया को कवर कर सकते हैं, बट काउंट इफ्स में हम सिंगल को भी कवर कर सकते हैं और हम मल्टीपल को भी कवर कर सकते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ये शीट में आ चुके हैं, आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट किया है, एक रीजन का डेटाबेस है। हम पहले ये डेटाबेस को समझते हैं। तो यहाँ पे एक सीरियल नंबर है, यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि हाउ मेनी ट्रांजेक्शन हैज हैपेंड। तो यहाँ पे हमारे 17 ट्रांजेक्शन हुए है, और यहाँ पे आपकी रीजन है साउथ, वेस्ट और ईस्ट। यहाँ पे मैंने सिर्फ तीन रीजन को ही लिस्ट किया हूँ, और यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन में कितनी क्वान्टिटी सेल हुई और हमको कितने अमाउंट रिसीव हुए, और यहाँ पे कुछ कैटेगरीज कॉलम है जो कि आपके यहाँ पे टेक्स्ट भी है, न्यूमेरिक भी है, और यहाँ पे ब्लैंक भी है। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को समझते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि काउंट हमको क्या करना है, काउंट ऑफ न्यूमरिक सेल्स इन कैटेगरी कॉलम, यानी ये जो कैटेगरी कॉलम है, हमको यहाँ पे कितनी सेल्स ऐसी है जो न्यूमरिक है, ये काउंट करना है। तो हम आते हैं यहाँ पे, हम अपना फंक्शन यूज करना शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बता चुका हूँ कि काउंट फंक्शन जो होता है, ये न्यूमरिक सेल्स को काउंट करता है, तो हम यहाँ पे काउंट फंक्शन का यूज करते हैं।
तो यहाँ पे मैंने काउंट लिखना शुरू कर दिया। जो देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बोला जा रहा है, द काउंट्स द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट कंटेन्स नंबर। ओके, तो हम इसका पैरेंथेसिस ओपन करते हैं। यहाँ पे आपसे वैल्यूज मांग रहा है, तो हम वैल्यू नहीं देंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पे रेंज दे देंगे E2 से लेके आपका E18। ओके, हमने ये रेंज दे दिया है, हम पैरेंथेसिस क्लोज करते हैं और हम यहाँ पे एंटर हिट करते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये रेंज में सिक्स न्यूमरिक सेल्स है। जैसे कि देखो यहाँ पे 10, 1, ये हो गई आपकी 2, 3, 4, 5 एंड 6, जो कि एकदम परफेक्ट है। ओके, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बताया जा रहा है कि काउंट ऑफ कैटेगरीज, यानी कैटेगरीज में कितना आपकी सेल्स फिल है, यानी आप समझते हैं। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले ये चेक करना है कि नंबर ऑफ ब्लैंक कैटेगरीज, यानी या ये रेंज में कितनी ब्लैंक कैटेगरीज है जिसमें कोई भी एंट्री नहीं की गई है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या, काउंट ब्लैंक का। ओके, तो काउंट ब्लैंक को सिलेक्ट करते हैं हम। यहाँ पे बोला जा रहा है कि रेंज दो करके, तो हम यहाँ पे इस चीज का रेंज दे देंगे। तो मैंने जैसे कि रेंज दे दिया हूँ, हम यहाँ पे एंटर हिट करते हैं। तो ये बता रहा है कि आपकी 3 सेल्स यहाँ पे एम्प्टी है। ओके, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि काउंट ऑफ नॉन ब्लैंक सेल्स कैटेगरीज, यानी कैटेगरीज में कितनी नॉन ब्लैंक सेल्स है। ओके, जबकि मेरी कैटेगरी E2 से लेके E18 है, अब इसके अंदर आपकी ब्लैंक सेल्स भी है, बट मेरे को काउंट करना है ऐसी सेल्स जो फिल्ड है। यहाँ पे न्यूमरिक और टेक्स्ट का बात नहीं हो रही, यहाँ पे भरी हुई सेल्स की बात हो रही है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे काउंट ए फंक्शन। ओके, काउंट ए फंक्शन, देखो काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। ओके, तो हम यहाँ पे जाते हैं वापस से E2 से लेके E18 का रेंज दे देते हैं। यहाँ पे हम वापस से टाइप करते, कुछ तो इशू हो गया था, कोई बात नहीं, हम वापस से टाइप करते हैं और यहाँ पे हम जाके E2 से लेके E18 का रेंज यहाँ पे दे देते हैं। अब यहाँ पे हम पैरेंथेसिस क्लोज करते हैं और हम यहाँ पे एंटर मारते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका आ गया 14। ओके, तो हम एक काम करते हैं, जाके फिल्टर करके एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ब्लैंक्स को हटाते हैं और देखिए ये आपका आ गया 14। नीचे आप जैसे कि एड्रेस बार में काउंट देख सकते हो। ओके, विच इज परफेक्ट। अभी और एक चीज इसी फॉर्मूले में हम समझते हैं। ओके, नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है? नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है कि एक सेल कंप्लीटली खाली हो। ओके, मान के चलिए यहाँ पे मैं ये वाली एक सेल को टारगेट करता हूँ, N11 को। ये दिखने में आपकी एम्प्टी है, राइट? ये दिखने में एम्प्टी है, बट मैं अगर इसमें एक स्पेस डाल दूँ, ओके, तो अगर एक स्पेस भी इसमें आ गई तो ये आपकी नॉन एम्प्टी सेल हो जाएगी। एक काम करते हैं, इसी के बाजू में एक फॉर्मूला डालते हैं, हम काउंट ए करते हैं और ये एक ही सेल देते हैं। इसका मतलब अगर ये भरी भी रही तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा 1, अगर ये भरी भी नहीं रही या तो आपका यहाँ पे 0 ही आएगा। देखिए अब यहाँ पे आ रहा है 1, क्यों? ये दिखने में भले से एम्प्टी हो बट ये एम्प्टी नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमने एक स्पेस का यूज किया है। एक काम करते हैं, अब ये सेल को डिलीट करते हैं। देखिए जैसे मैंने डिलीट दबा दिया, ऑटोमेटिकली ये 0 हो चुका है। ओके, अभी भी ये खाली ही दिख रही है बट अब ये एक्चुअल में खाली है। और आप यहाँ पे अगर ये सेल में एक स्पेस भी एक्स्ट्रा डाल देते हो तो वो आपकी नॉन एम्प्टी सेल मानी जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हर दिखने वाली ब्लैंक सेल ब्लैंक नहीं होती है। तो देर आर पॉसिबिलिटीज के दिख रही है ब्लैंक बट वो एक्चुअल में ब्लैंक नहीं होगी। अगर आपको काउंट में कुछ भी फर्क आ रहा है तो वो सेल में आप जाके काउंट कर चेक करो कि उसमें कोई स्पेस वेस का यूज हुआ है क्या। जैसे कि अगर आपको स्पेस फाइंड करना है तो हमारे पास और भी फंक्शंस है, तो हम आगे देखेंगे कि ऐसे कौन से फंक्शन है जो पता लगाएंगे कि एक सेल के अंदर कितने स्पेस है या एक सेल में स्पेस है या नहीं है, तो हम गोइंग फॉरवर्ड देखेंगे। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे तीसरे इसकी। तो हमारे को यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स हैपेंड इन बिलो रीजन, अभी आपको फाइंड करना है कि अभी ओवरऑल आपके पास 17 ट्रांजेक्शन्स हुए हैं बट डिफरेंट डिफरेंट रीजन में हुए हैं। आपके साउथ में हुए हैं, वेस्ट में हुए हैं और ईस्ट में हुए हैं। तो अभी मेरे को ये एग्जैक्टली फाइंड करना है कि साउथ रीजन में कितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, वेस्ट में कितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं एंड ईस्ट में कितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। तो जैसे ही मेरे को पता चल गया कि कितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, तो ये टर्म मेरे दिमाग में आते ही पता चल गया कि अब हमें काउंट करना है, राइट? बट अभी काउंट क्या करना है? अभी हमको काउंट एक क्राइटेरिया को करना है, यानी एक कंडीशन है। एक रेंज तो मेरे पास है जिसमें आपके अलग अलग रीजन्स है बट मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर एक रीजन को काउंट करना है। तो यहाँ पे मेरी कंडीशन आ गई। तो जब भी कंडीशन आती है तो हम यहाँ पे काउंट इफ या तो काउंट इफ्स का यूज करेंगे। जैसे कि एक ही कंडीशन है तो हम या एट प्रेजेंटली काउंट इफ के साथ जाते हैं। ओके, काउंट इफ का पैरेंथेसिस ओपन करते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि रेंज दो। तो जैसे कि मैंने सम
की वीडियो में बताया था कि रेंज वो होता है, अगर क्राइटेरिया के पहले जो भी रेंज होता है वो क्राइटेरिया का रेंज होता है, तो हमें यहाँ पे क्राइटेरिया का रेंज देना है। वो रेंज देना है जिसमें आपका साउथ और आपकी रीजन पड़े हुए, तो यहाँ पे मेरा B2 से B18 के अंदर, मेरा यहाँ पे इसके अंदर से मुझे रीजन्स को पिक करना है। इसके बाद बोला जा रहा है कि क्राइटेरिया, तो हम यहाँ पे दे देंगे ये है मेरा क्राइटेरिया, जो भी I20 के अंदर है वो मेरा क्राइटेरिया है। तो हम यहाँ पे मैन्युअली भी साउथ लिख सकते हैं, अगर आप मैन्युअली लिखोगे तो आपको डबल कोट्स के अंदर साउथ लिखना है, बट अभी हम एक सेल का रेफरेंस दे रहे हैं। हम रेफरेंस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये फॉर्मूला को हम नीचे ड्रैग करने वाले हैं। ओके, तो जैसे ही ये ड्रैग होगा, तो यहाँ पे मैंने I20 दिया हूँ, तो जैसे ही ये ड्रैग हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली I21 से पिक करेगा जो कि है वेस्ट, वैसे ही गोइंग फॉरवर्ड आपका ईस्ट जो कि I22, इसी के लिए मैंने यहाँ पे सेल रेफरेंस दिया हूँ। अगर मैं सेल रेफरेंस का यूज नहीं करूँ तो बाय डिफॉल्ट आपको डबल कोट्स के अंदर क्राइटेरिया मेंशन करना पड़ेगा, जैसे साउथ में हो गया तो साउथ लिखना पड़ेगा, फिर वापस एडिट में जाना पड़ेगा, वेस्ट लिखना होगा। ओके, तो अभी ये कि इसमें मैं ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और एंटर हिट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि साउथ में साउथ के 4 ट्रांजेक्शन हुए। हम अपने डेटा में आते हैं, फिल्टर लगाते हैं और साउथ को फिल्टर आउट करते हैं, तो देखिए बराबर है जो कि मेरा फोर ट्रांजेक्शन हुए हैं साउथ में। अब ये फॉर्मूला को मुझे नीचे ड्रैग करना है, बट एक चीज ध्यान देना है, ये फॉर्मूला में मैंने ये क्राइटेरिया रेंज जो था, ये रेंज को मैंने एब्सोल्यूट नहीं बनाया, इसको एब्सोल्यूट बनाना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये जैसे ही नीचे ड्रैग होगा तो B2 से B18 जो पिक हो रहा है, जैसे ही एक सेल नीचे हो जाएगा तो ये B3 से B19 पिक करेगा, बिकॉज ये रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग है। अगर आपने मेरा रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग का वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको ऊपर आई आइकॉन में मैं आपको उसका लिंक मेंशन कर दूंगा, तो मैं चाहूंगा कि आप वो भी देख ले। ओके, तो हम यहाँ पे इसको एब्सोल्यूट बनाते हैं, मैंने यहाँ पे F4 को हिट किया, तो ये पूरा के पूरा रेंज एब्सोल्यूट बन चुका है। अब एंटर हिट करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, नीचे जाके फॉर्मूला पेस्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे मालूम पड़ गया कि ओवरऑल आपके साउथ में 4 ट्रांजेक्शन हुए हैं, वेस्ट में और ईस्ट में 7, तो हमें इसका ट्रांजेक्शन टोटल 17 आना चाहिए। देखिए नीचे सब में 17 आ रहा है, विच मीन्स हमारा सारा चीज़ें परफेक्ट है। ओके, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रांजेक्शन हैपेंड इन ईस्ट रीजन विद अ ग्रेटर देन 15 क्वान्टिटी, यानी मुझे मुझे ईस्ट रीजन का ट्रांजेक्शन चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ईस्ट होगा और यहाँ पे आपकी क्वांटिटी जो है ये 15 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो यानी इसका मतलब आपका 4 जो ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो ईस्ट रीजन में हुए हैं और जिनकी क्वांटिटी आपकी 15 से ज़्यादा है। अगर सिर्फ ईस्ट रीजन की बात करूँ तो यहाँ पे ओवरऑल ईस्ट रीजन में आपके 7 ट्रांजेक्शन हुए हैं। ओके, बट हमको 7 ट्रांजेक्शन को ये नहीं करना है, हमको ईस्ट रीजन के साथ और एक फिल्टर लगाना है, दैट इज़ योर ग्रेटर देन, यानी क्वांटिटी आपकी 15 से ज्यादा हो। तो अभी यहाँ पे आपके पास 2 क्राइटेरियाज आ गए। ओके, अगर 2 क्राइटेरिया की बात की जाए तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि मेरे को यहाँ पे ईस्ट का निकालना है, ओके, यहाँ पे काउंट निकालना है, अगर 2 क्राइटेरिया की बात की जाए तो जैसे कि हमारा काउंट इफ जो है ये कवर नहीं कर सकता है, तो ये केस में हम यहाँ पे काउंट इफ्स का यूज करेंगे, बिकॉज वो काम काउंट इफ्स कर सकता है, तो हम यहाँ पे काउंट इफ्स का यूज करते हैं। काउंट इफ्स में जैसे ही आपका पैरेंथिस ओपन हो गया, सबसे पहला बताया जा रहा है कि क्राइटेरिया रेंज 1 2, यानी फर्स्ट क्राइटेरिया का रेंज 2, तो सबसे पहले हमको रीजन को फिल्टर करना है, राइट, ये हो गया मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया, मैं इसको एब्सोल्यूट बना देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मुझे बताना है कि फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है। देखिए ये फॉर्मूला मैं ड्रैग नहीं करने वाला हूँ, ये फॉर्मूला बस एक ही चीज के लिए बना है, तो मैं यहाँ पे अभी देखो सेल रेफरेंसिंग का यूज नहीं करूंगा, मैं मैनुअली ईस्ट लिखूंगा, तो देखिए मैंने ईस्ट डबल कोट्स के अंदर लिखा हूँ, डबल कोट्स के अंदर इसलिए बिकॉज जो ये क्राइटेरिया है ये आपका टेक्स्ट है, तो जब भी मैंने बताया हूँ कि जब भी हमारा टेक्स्ट होता है तो हम यहाँ पे डबल कोट्स का यूज़ करते हैं। ओके, डबल कोट्स के लिए अगर आपको डीप में नॉलेज चाहिए तो उसके लिए भी एक वीडियो हमारे सीरीज एक्सेल सीरीज में क्रिएटेड है, तो आप उस चीज़ को भी देख सकते हो कि डबल कोट्स का यूज़ कैसे और कब किया जाता है, तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स का यूज़ किया हूँ। अब जैसे कि हमारे पास और एक क्राइटेरिया है, तो हम यहाँ पे क्राइटेरिया 2 भी दे देंगे। अभी ईस्ट के बाद मुझे ये भी चेक करना है कि कौन सी रेंज में, जैसे कि क्वांटिटी, ये क्वांटिटी रेंज में मुझे ये चेक करना है कि हाउ मेनी क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 15, तो मैंने यहाँ पे ये रेंज दे दिया हूँ, ये हो गया मेरा क्राइटेरिया रेंज 2, मैं इसको भी एब्सोल्यूट बना देता हूँ। अब इसके बाद मुझे इसमें लिस्ट करना है, तो जैसे कि ग्रेटर देन 15 डालना है, अगर 15 होता तो मैं डायरेक्टली 15 लिख सकता था, बट जैसे ग्रेटर देन 15 है कोई भी नंबर के साथ आपका
कोई भी स्पेशल सिंबल या अल्फाबेट जुड़ जाता है तो वो टेक्स्ट बनता है। तो ये केस में मैं वापस से डबल कोट्स में ग्रेटर देन 15 डालूंगा, डबल कोट्स को क्लोज करूंगा और एंटर हिट करूंगा। देखिए आ गया 4 जो हमने मैन्युअली करके देखा था, तो है ना परफेक्ट। तो होप गाइस आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल लगा होगा। आप ये वीडियो उन तक भी ज़रूर पहुँचाओ जो एक्सेल सीखना चाहते हो। इसी के साथ लाइक ऑलवेज स्टे फिट, स्टे ट्यून एंड स्टे हेल्दी। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू माई लवली फ्रेंड्स। थैंक यू।